तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नए व्लॉग के साथ जिसका थीम है पजामा पार्टी। सो मैं जज हूँ और ये दोनों कमेंट्री करेंगे, ठीक है। और पीछे दो रेसलर्स हैं जो लड़ रहे हैं, जो फर्स्ट थीम हमारा रेसलिंग है। तो पीछे हमारे दो महान योद्धा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। इससे पता चलेगा उनका जज्बा, उनका टैलेंट, उनका हुनर। और यहाँ मिलेगा अमिताभ बच्चन। तो प्लीज आइए, बने रहिए हमारे साथ व्लॉग देखने के लिए। पजामा पार्टी, हैशटैग पजामा पार्टी। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे मोटा पोपी, छोटा पोपी और हम दोनों, और बीच में जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे पोपल ने छोटे पोपल को गुस्सा आया, छोटे पोपल की तरफ जा रहा है। इधर देखिए, मोटा पोपुल गिर चुका है, उसको घनी चोट आई है, छोटे पोपुल ने मार गिरा उसे। बड़ा पोपुल गिर गया और गद्दा। A few moments later. Round 2. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मोटे पोपुल और छोटे पोपुल के बीच की लड़ाई दोबारा हो रही है, दूसरा राउंड चल रहा है। जाके हमारे पीछे चीयर लगा रहा है। A few inches later. तुम खाते हो कुछ भी, जानवर उल्टे सुलटे कुछ भी खा लेते सुलटा क्या होता है? अरे आज तो खा दो सुलटा क्या? हमारे हमारे चाइना हमारे चाइना में से कुछ ना है, तुम्हारे चीन में ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो पुराने कंटेस्टेंट थे वो धाराशाही हो गए, वीर गति की प्राप्ति नसीब हो चुकी है उनको। और ये हमारे पीछे हमारे चिंगी जुड़ाल और इंडिया के बीच में मुकाबला हो रहा है, देख सकते हो कौन यूनिक सा और इतना ऐसा गेम खेलने वाले हैं जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं खेला होगा। फर्स्ट टाइम अपनी पजामा पार्टी में यूज कर रहे हैं। नहीं आप चौंक जाएंगे, देख के आप आइए और हमारे साथ हमारा गेम देखिए। खतरों के खिलाड़ी में आज तक ऐसा गेम नहीं खेला गया होगा। आइए, ये तो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल Yeah.
हाँ तू भी आ जा, ये तो रोता है। कबूतर उड़, कबूतर उड़, मोर उड़, मोर उड़, मैना उड़, मैना उड़, काई उड़, काई उड़, काई उड़, ऐसी थी, ऐसी थी, काई उड़ती है, पसंद है ये जो काई उड़, पता है बहुत अच्छी है, काई दोनों से ही होता है। ऐसा लग रहा था कि मेरा हाफ बॉडी ना मतलब हवा के बीचों बीच है। इट मींस मैं स्लाइड टाइप हूँ, ऐसे मेरा सर बेड पे और मेरा जो बाकी का वो ऐसे मतलब वो मेरा सपना था बट मुझे तुम लोग तो जागे हुए मतलब एटलीस्ट और भूकंप में बॉडी कब लटकती है मुझे जरा बताया कोई बात नहीं सीरियस टॉपिक है मैं डरी हुई हूँ सबको अपनी मतलब बहुत देर ऐसा लग रहा बहुत मैं हवा में लटकी हुई थी आधे से ज्यादा टाइम तक मुझे कोशिश करते रहते एकदम मैं रूम से भाग के आई हूँ आके मेरी नींद टूट गई वापस लौट गया मतलब तो मैंने तो चेक किया पहले हॉल में भाई मेरे को सो चुके थे फिर मैं देर रात में अब मेरे को रूम में जाने का हिम्मत ही नहीं हो रही मुझे डर लग रहा है आगे भी बताओ फिर मेरे साथ ना एक दो बार पहले भी हुआ था साड़ी में कोई आया नहीं अरे बैग में सोई हुई थी और पर्दे के ऐसे है कुछ भी पर ऐसे ही मेरे रूम में भी सेम कर्टन है वो ऐसा लगा कि पीछे कोई खड़ा हुआ पैर नजर आ रहे हैं स्टूपिड मैं जमीन पे सोई थी उस टाइम अपने फ्लैट पे मैंने अपने फ्लैट पे चीज फील किया था फेस भी किया था मैं डर से ना फिर वो बेड पे सो गई मैं साढ़े पाँच बजे मतलब तुम मेरा सपना छोड़ो
वो तो ठीक है। तू सुबह के 5:30 बजे डरी कैसे, 4 बजे बाद तो दिन हो जाता है। तुम लोग अभी तक जाके कर क्या रहे हो? ये आलिया दी नहीं हूँ। हाँ पिछले जो कंटेस्टेंट थे वो धाराशाही होकर निकाह से चले जो दोनों की लड़ाई जाए। ए तुम उठो यार, कुछ नहीं हो रहा यार, उठो, उठो। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग हेलो गाइस, कैसा लगा हमारा? रुक जा, रुक जा।